बहुत अच्छा लगेगा तब भी तो यहाँ का हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे, अच्छा रहने की जगह मिल जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे तो सबको अच्छा लगेगा, किसी को तो ये नहीं दिक्कत होगी। अभी तो नारगीता भी मिल रही है, अच्छी बहुत बात है। ये माया है। माया 10 साल पहले अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। तब से वो और उनका परिवार भारत में ही रहता है। इन दिनों माया के जीवन में खुशी की एक लहर है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक वजह है। लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नर्क जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है और मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम ये बिल के माध्यम से, जब ये बिल पारित होगा, हो जाएगा। भारत सरकार ने माया की ही तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं माया की कहानी। पाकिस्तान में क्या दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे आना? कोई नहीं थी दिक्कत, वैसे आए थे घूमने के लिए, आए थे कुंभ का मेला, फिर यहाँ पे रह गया, अच्छा मन लगा था, यहाँ पे रह गया मम्मी पापा। कुंभ का मेला में आए और इधर? हाँ, इधर रह गए। पाकिस्तान जाने का दिल करता है? अभी तो करता भी है, करता भी नहीं है। वहाँ पे जैसे नाना दादा बहुत परिवार है वहाँ पे, तो इस वजह से करता है। और अभी आगे तो अच्छा है यहाँ पे भी। तब से माया और माया का परिवार यहीं रहने लगा। वो दिल्ली में अपने माँ बाप और अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती हैं। माया की कहानी के मुताबिक 10 साल पहले वो अपने परिवार के साथ कुंभ का मेला देखने भारत आई थीं। माया ने बताया कि पाकिस्तान में उनके साथ धार्मिक बहुसंख्यक समाज द्वारा कोई प्रताड़ना नहीं की गई। कुछ भी नहीं थे जुलम, कुछ भी नहीं थे जुलम। जिसके साथ हुए वो तो पता नहीं, वो दूसरे थे, हमारे साथ तो नहीं हुआ है। भगवान भी नहीं करे ऐसे, कोई भगवान भी ना करे ऐसा कोई जुलम ऐसा नहीं आया। साल 1947 में देश के विभाजन के समय कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए और कुछ ऐसे थे जो भारत में ही रहे। ये विभाजन मुख्य तौर पर धर्म के आधार पर हुआ। साल 1949 में जब देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ तो उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो कमेंसमेंट के पहले ही लागू कर दिए गए थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। वो प्रोविजंस में से एक थे सिटीजनशिप के प्रोविजंस। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक के अंदर डिस्कस किया गया है कि देश के सिटीजन कौन होंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 1947 के आसपास किन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा इस पार्ट के अंदर जो लास्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 11। इस आर्टिकल के अंदर देश की पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि आने वाले समय में देश के नागरिक कौन लोग होंगे, किनको देश की नागरिकता दी जाएगी, इन सारी नियमों को तय करने के लिए भारत की पार्लियामेंट संविधान के तहत कानून बना सकती है, उनको आप सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। इस आर्टिकल के तहत बहुत सारी बार सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए जा चुके हैं ऑलरेडी। इस बार साल 2019 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया जिसको CAB के नाम से जाना गया। लेटर ऑन ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और आगे चल के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना। भारत के संविधान में भारत की नागरिकता को लेने के लिए तकरीबन 5 से 6 के बीच में प्रोविजंस तय किए गए हैं। इन्हीं में से एक प्रोविजन है नेचुरलाइजेशन का, जिसके तहत पहले ये कहा गया था कि अगर आप पिछले 14 साल से भारत में रह रहे हैं, जिसके अंदर कम से कम 11 साल का पीरियड ऐसे है जिसमें आप लगातार देश के अंदर रहे हैं, तो आप नेचुरली भारत की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर इस टाइम पीरियड को 11 साल से चेंज कर 5 साल कर दिया गया, जिसके तहत ये प्रोविजन बनाया गया कि जो भी लोग
भारत के अंदर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उनको इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और वो कौन लोग होंगे? वो माइनॉरिटी लोग होंगे जो धर्म के आधार पर इन तीन देशों से भारत के अंदर आए हैं। बाय कर दो, अभी बाय कर दीजिए। बाय बाय। दिल्ली के मजनू का टीला में बसी एक छोटी सी कॉलोनी, ये वो जगह है जहां माया की ही तरह पाकिस्तान से आए 100 से ज़्यादा हिंदू परिवार रहते हैं। ये सभी लोग भारत के नागरिक तो नहीं हैं, लेकिन पिछले लगभग 10 सालों से भारत में रह रहे हैं। अब भारत की सरकार ने इन लोगों को नागरिकता देने का फैसला लिया है। सर, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी मुसीबतें थी, मीडिया से 14 साल से हम कह ही रहे हैं कि वहाँ पे कट्टरपंथी लोग थे, वो हमें तंग करते थे, हमारी बहू बेटी उठा ले जाते थे, धर्म परिवर्तन कराते थे, कोई अमीर व्यक्ति देख लेते थे तो उनका ने जो अपहरण कर लिया जाता था, फिरौती मांगते थे। जो मौलाना हैं जैसे मियां मिठू जैसे लोग हैं, वो हमारी बहू बेटियों को उठा ले के धर्म परिवर्तन कराया जाता था और हमें प्रताड़ित किया जाता था। इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ थी, उस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमने भारत में आ गए। अब हम यहाँ पे खुश हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रेड़ी पटड़ी लगा के छोटा मोटा कारोबार करके तो हमें कर रहे हैं। अब सीए पास हो गया, अब यहाँ का राशन कार्ड बन जाएगा और हमारा वोटर आईडी का अधिकार मिल गया है, तो सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी वोट की राजनीति के लिए, अब सर पे चुनाव है इस वजह से वो राजनीति की, जैसे ममता हुई ओवैसी हुए, केजरीवाल साहब हुए और बहुत सारी पार्टियां हैं, स्टालिन हुए, ये जो कह रहे हैं ये अभी इलेक्शन है उसकी वजह से ये नाम ले लेके मोदी जी को, ये मोदी का नाम ले लेके, क्योंकि मोदी ने बिल पास किया है, इसका नाम ले लेके वोट भी गिराने के लिए। इनका चक्कर आपसी है, हमारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सरकार ने जिस आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया है वो आधार है रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी में लोग हैं उनको ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब ये पूरा मामला अभी सब जुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर हियरिंग भी होनी है कि संवैधानिक तौर पर ये ठीक है या नहीं, लेकिन सरकार ने हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले इस बात की घोषणा कर दी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएंगे और लोगों को सिटीजनशिप देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा। आसान भाषा में, अगर आप भारत में पिछले 5 साल से रह रहे हैं और 2014 से पहले भारत आए हैं तभी आपको इस एक्ट के तहत भारत की नागरिकता मिल पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप आज अगर भारत में आते हैं और फिर 5 साल लगातार भारत में रहते हैं तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये पूरा जो अमेंडमेंट एक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है। इस रिपोर्ट में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।